नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की, जिसमें हम आपको बताते हैं अखबारों की वो हेडलाइंस जिसमें खबर के पीछे की क्या है खबर, उससे हम आपको कराते हैं बाखबर। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत सुर्खियां अखबार की में करेंगे पहली खबर के साथ। दुनिया का हर डिवाइस में लगी हो भारत की चिप, पीएम मोदी ने ये कहा है। और अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित सेमिकॉन 2024 कार्यक्रम के तहत ये कहा कि दुनिया की हर डिवाइस में भारत की चिप लगी हो, यही अब सबसे बड़ा सपना मेक इन इंडिया का है। अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर ही इस खबर को तरजीह दी है। दुनिया की हर डिवाइस में लगी हो भारत की चिप, यही सपना है, पीएम मोदी ने ये कहा। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र का की दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा है कि 21वीं सदी में दुनिया में जब चिप के क्षेत्र में कहीं मंदी आती है तो आप भारत पर भरोसा कर सकते हैं। ये भारत में आने के लिए सही समय है और आप सही समय पर सही जगह पर हैं। मेरा सपना है दुनिया की हर डिवाइस में भारतीय चिप हो, ये कहा है पीएम मोदी। देखिए, और पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये आयोजन हो रहा है। और इतना ही नहीं, इसी साल लाल किले से पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि मेरा सपना है दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप लगी हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं हम। बिल्कुल, क्रिटिकल मिनरल के और इसके अलावा ओवरसीज अधिग्रहण के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा भी की गई है। क्रिटिकल मिनरल को कस्टम ड्यूटी से छूट हो, ब्लॉक्स की माइनिंग की ऑक्शन हो, इस पर तेजी से काम हो रहा है। मौजूदा समय में अगर आपको जानकारी हो और अगर ना हो तो हम आपको तक कन्वे कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर 3 ऐसे पावर प्लांट्स हैं, या यूं समझिए कि 3 ऐसे क्षेत्र जिनमें कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर को लेकर के काम हो रहा है। पहला मोरीगांव है, दूसरा धौलेरा है और तीसरा जो सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का प्लांट निर्मित हो रहा है वो सारंद है, जिसमें लगातार टाटा और अन्य विदेशी कंपनियों के सहयोग से भारत में काम किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी ने कहा है दशक के अंत तक देश के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के कारोबार को $500 अरब तक पहुंचाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सपना है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया और साथ ही कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से 2030 तक 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। यानी जो ये योजना तैयार की जा रही है, प्लानिंग सरकार तैयार कर रही है, कहीं ना कहीं अब इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की ओर भारत बढ़ रहा है। ऐसे में 60 लाख युवाओं को इसके जरिए रोजगार मिलने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र क्रांति की ओर बढ़ रहा है ये बात कही। इसकी अभूतपूर्व प्रगति उद्योग को बदलने वाली है, भारत में निवेश के लिए यह सबसे अच्छा वक्त है। दशक के अंत तक देश के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का कारोबार $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है और 2030 तक इससे 7 लाख युवाओं को नौकरी का अवसर देना भी सरकार की बड़ी प्राथमिकता होगी। हमारा सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में भारत निर्मित चिप लगी हो और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभ आरंभ करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है। पूजा, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी की आदत है, ये कहा है अमित शाह ने। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के और लोकसभा में उनके नेता राहुल गांधी पर देश विरोधी बातें करने का आरोप लगाया है और साथ ही देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होने का आरोप भी केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया है। देखिए, शाह ने कहा राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा को हमेशा खतरे में डाला है। केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अमित शाह ने आरक्षण संबंधित बयान के लिए भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल अभी अमेरिका के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी और विर्जीनिया के
उपनगर हंडौग सहित कई अन्य स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। तो देखिए खबर आपको दिखा रहे हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी की आदत हो गई है, ये कहा है अमित शाह ने। देखिए राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो उसके बाद बयानों की झड़ी लगा देते हैं और राहुल गांधी अपने ही बयानों में घिर जाते हैं। आरक्षण को लेकर के कई बातें राहुल गांधी ने साझा करी थी, जिसके बाद क्लेरिफिकेशन राहुल गांधी को खुद देना पड़ा था कि कांग्रेस कहीं से भी आरक्षण के विरोध में नहीं है। और अब लगातार जब उन्होंने चीन की तारीफ करी है तो गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और कहा है कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी की आदत हो गई है। एक बार मैं बहुत जल्दी से ये खबर आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। अमेरिकी धरती से देश विरोधी बयानों और भारत विरोधी अमेरिकी नेताओं से मुलाकात को लेकर भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी की आदत है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों पर राहुल गांधी के बयान और भारत चीन सीमा विवाद को लेकर किए गए दावे को भ्रामक बताया है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करते हुए उसके देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे को समर्थन देने, साथ ही आपको बताते चलें कि विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे को समर्थन देने, विदेशी मंचों से भारत विरोधी बातें करने का उदाहरण देते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा ही आहत किया है। बिल्कुल, देखिए और कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि भारत में लोकतंत्र और चुनाव सहित कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अभी भी लद्दाख की कई ऐसी जमीन है जिसे चीन ने हड़प लिया है, चीन ने कब्जा कर लिया है। जितना क्षेत्रफल दिल्ली का है ठीक इतना ही क्षेत्रफल लद्दाख का चीन ने अपने पास मिला लिया है और कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फेलियर है। उन्होंने कहा कि मुझे कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तरस आता है कि आखिर किस तरीके से बीजेपी में रहते हुए उनका 56 इंच का सीना जो है वो अब कमजोर होता नजर आ रहा है। कुछ इस तरह के बयान दिए गए हैं। देखिए अमित शाह का बयान यहाँ पर दिखाया गया है, अमित शाह से रिलेटेड खबर, और इसके जस्ट बगल में आप यहाँ पर देखें, आप नजर डालेंगे तो चीन से अच्छी तरह से निपट नहीं पाए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जिस बात का जिक्र अभी पूजा आपसे कर रही थी, पूजा ने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी ने चीन से निपटने को लेकर के मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरा है और कहा है, और जो बात उन्होंने कही है लद्दाख को लेकर के वो यहाँ पर कोड की गई है। इसमें कहा गया है कि लद्दाख की दिल्ली के बराबर धरती जो है वो अब चाइना के पास है, जिसको लेकर के भारत सरकार अपनी बहुत त्वरित कार्रवाई या यूं समझिए कि सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, देखिए और जिस तरह अमेरिका के वॉशिंगटन में जाकर राहुल गांधी ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं इस बयान को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार जब वो फॉरेन टूर पर गए, विदेश दौरे पर गए, उस दौरान भारत को लेकर कई सवाल उन्होंने खड़े किए, भारत में कई ऐसी कमियां जिसको लेकर वहां पर बात की खुलकर राहुल गांधी ने। लेकिन जिस तरह भारत की कमियों को गिनाने की कोशिश की गई राहुल गांधी की ओर से, यही उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। बहरहाल हम खबरों में बढ़ेंगे आगे। शिमला मस्जिद विवाद को लेकर जानकारी आपको दे दें, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिया है और पुलिस से झड़प हो गई है। द हिंदू में इस खबर को तरजीह दी गई है। देखिए शिमला में लगातार प्रदर्शनकारी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का एकमात्र कारण है वो अवैध मस्जिद, जिनका निर्माण तब भी किया गया जब इस पर रोक लगाई गई थी। लगातार मस्जिद का निर्माण हुआ और मस्जिद के निर्माण के कारण लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। तो शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प की, बैरिकेड्स तोड़ दिए और पथराव किया, जबकि पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारों और लाठी चार्ज तक का इस्तेमाल किया है। पुलिस कर्मियों सहित कम से 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जय श्री राम और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी सब्जी मंडी ढली इलाके में एकत्र हुए और आपको बता दें कि उल्लंघन करते हुए, कई निर्देशों का उल्लंघन करते हुए और प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए संजौली बाजार की ओर मार्च करने लगे। उन्होंने
ढली सुरंग के पास लगाए गए बैरिगेड्स को भी धराशायी कर दिया, तोड़ दिया, जबकि दूसरी भीड़ संजौली चौक पर इकट्ठा हो गई थी, जहां पर पुलिस से लाठी चार्ज भी देखने को मिला था। बिल्कुल, देखिए, और शिमला में जिस तरह से विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल इसलिए क्योंकि अवैध निर्माण को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है हिंदुओं की ओर से। बिल्कुल, देखिए, ये खबर भी आपको दिखा रहे हैं, पूजा भी आपको ये खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके अलावा देखिए, लगभग हर न्यूज़पेपर ने इस खबर को जगह दी है, फ्रंट पेज पर जगह दी है। शाम में अवैध मस्जिद निर्माण पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिला। और देखिए, जब हम आपसे बैरिगेटिंग्स धराशायी करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये बैरिगेटिंग्स छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि 12 फीट की जो बैरिगेटिंग्स होती हैं, जो किसी रास्ते को एग्जैक्टली ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ब्लॉक करने के लिए टनल के दोनों मुहानों पर इस तरह की बैरिगेटिंग्स लगाई गई थी। लेकिन भीड़ देखिए, भीड़ ने आक्रोशित अवस्था में इस बैरिगेटिंग को धराशायी किया और टनल के अंदर प्रवेश कर गई। ये जो आप इलाका देख पा रहे हैं तस्वीर में, ये ढल सब्जी मंडी क्षेत्र का इलाका है, चौक का इलाका है, जहां पर प्रदर्शनकारी बैरिगेटिंग्स को गिराने के बाद दूसरी तरफ भी इकट्ठा हुए थे। यानी कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो आ रहे थे टनल से, और कुछ प्रदर्शनकारी ढली क्षेत्र में इकट्ठा हो गए थे, और वहाँ पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, बैरिगेटिंग को गिरा दिया, और गिराने के बाद उनकी मांगे लगातार जारी रही। और जब हिंदूवादी संगठनों के नेताओं से बातचीत की गई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस वालों ने महिलाओं पर लाठी चार्ज किया है, हिंदुओं पर लाठी चार्ज किया है। बिल्कुल, देखिए, और मस्जिद को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, जैसा कि पूजा आपने बताया भी कि हर एक अखबार में इसको तरजीह दी गई है, और फिलहाल मैं नव भारत टाइम्स खोले बैठी हूँ और इसमें भी जगह दी गई है इस खबर को। और खबर को अगर विस्तार से समझाने की कोशिश करें तो देखिए, मस्जिद को लेकर विरोध किया जा रहा था, प्रदर्शन किया गया था, बैरिगेट्स जो लगाए गए थे लोगों को रोकने के लिए, उन बैरिगेट्स को भी लोगों ने तोड़ दिया है। इस बीच प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उनका भी बयान सामने आया था। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अगर निर्माण अवैध है तो गिराया जाएगा। देर शाम सरकार ने नगर निगम के वास्तुकार महबूब अली शेख का तबादला तक कर दिया, ये प्रदर्शन के बाद हुआ है। और इसके बाद आपको बताते चले कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मामले में रिपोर्ट भी तलब की है। चले, खबरों में बढ़ेंगे आगे। पूजा, बिल्कुल, देखिए, भेड़िए कुत्ते या भेड़िया कुत्ता, बहराइच का भ्रम बरकरार है लगातार। हिंदू ने इसको जगह दी है और अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने भी इसको जगह दे रखी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जो पांचवा भेड़िया पकड़ा गया है, जिसको मादा भेड़िया बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी अल्फा गायब बताया जा रहा है, पर अभी भी संदेह बरकरार है, क्योंकि जो बच्चों पर हमले हैं वो रुक नहीं रहे। ऐसे में सबसे बड़ा भ्रम बना हुआ है कि कहीं ये भेड़िया जो पिंजड़े में बंद नजर आ रहा है, ये भेड़िया ना होकर कुत्ता तो नहीं है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है। आपको ये सुनकर सुकून जरूर मिलेगा कि 8 में से 5 भेड़ियों को फिलहाल कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन अब भी 3 ऐसे भेड़िए हैं जो फरार चल रहे हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिनमें सबसे ज्यादा आदमखोर भेड़िया वो लंगड़ा भेड़िया है, जो लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहा है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग पर हमला कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन भेड़ियों द्वारा कथित तौर पर बच्चों पर हमला अब भी जारी है। मंगलवार की रात एक 13 साल की लड़की पर जानवर ने हमला कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वो भेड़िया था। अब तक हमले में 10 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकतर बच्चे हैं। बुधवार की सुबह एक और 13 साल की लड़की पर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 6 भेड़ियों को दोषी ठहराया है, जो झुंड का आखिरी सदस्य है, जिस पर उनका कहना है कि वो इस क्षेत्र में आतंक मचा रहा था। विभाग सही हो सकता है, जिसका मतलब है कि 6 भेड़िए को पकड़ने से समस्या हल हो जाएगी, जैसा कि उसने प्रत्येक पकड़ने के बाद दावा किया था। साथ ही
जो अभी भेड़िए फरार हैं उन्हें भी जल्द पकड़ने की हर संभव कोशिश प्रशासन की ओर से की जा रही है। बिल्कुल, और ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एक सिद्धांत है कि विभाग गलत जानवर का शिकार कर रहा है। कुछ विशेषज्ञों ने जोर देते हुए कहा है कि हमला एक ही जानवर भेड़िया कुत्ते के संकर का काम हो सकता है, जो भेड़िए की तुलना में कुत्ते की तरह ज्यादा यानी कि अधिक जो है आक्रामक नजर आता है, वो भी इस इन तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। और अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं भेड़िए की आशंका में कुत्ते तो इस तरह की घटनाएं नहीं कर रहे हैं, या जिनको पकड़ा जा रहा है वो कहीं कुत्ते तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे संशय हैं जो लगातार बहराइच क्षेत्र में बने हुए हैं। बिल्कुल देखिए, लेकिन पूजा एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि अचानक से जिस तरह हमला किया जा रहा है उसके बाद ये कह पाना कि कहीं वो जो जानवर है वो कुत्ता तो नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कुत्ता होता तो शायद इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ सकती थी, लेकिन जिस तरह से भेड़ियों की जानकारी सामने आई, अब उन भेड़ियों को पकड़ने का जो सिलसिला चल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी संदेह डाल रहा है कि आखिर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ना केवल भेड़िए बल्कि सियार का आतंक भी जारी है, तो ऐसे में यहाँ पर सवाल ये जरूर उठता है। बिल्कुल, ये सवाल उठता है। और ऐसे में देखिए, बताया ये जा रहा है कि विशेषज्ञों का कहना है, जो वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही थी, जिन्होंने फुटप्रिंट के आधार पर इस भेड़िए का रेस्क्यू किया है, वो कह रहे हैं कि ये मादा भेड़िया है और अभी भी अल्फा मेल जो कि लंगड़ा है और सरदार था इन 6 भेड़ियों के झुंड का, वो गायब बताया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर भेड़िया लंगड़ा था और लंगड़ा है, माफ कीजिएगा, और वो सरदार है झुंड का, तो वो लगातार बैक टू बैक एक ही रात में 3 घटनाओं को कैसे अंजाम दे देगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भेड़िया पकड़ा गया है, 5वां भेड़िया जिसको मादा भेड़िया बताया जा रहा है, वो भेड़िया ना होकर के कुछ और हो? बिल्कुल, और खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता के डॉक्टरों ने नई शर्तें तय की है, आंदोलन जारी हो, द हिंदू में इस खबर को तरजीह दी गई है। सार्वजनिक चिकित्सा संस्थानों में काम कर रहे डॉक्टर्स ने काम पर लौटने के लिए शर्तें रखी हैं। और प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच गतिरोध बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा है। इस दौरान सरकार ने बातचीत के लिए नई शर्तें रख दी हैं। इनमें ये मांग भी शामिल थी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में होने वाली बैठक के लिए राज्य सचिवालय में कम से कम 30 प्रतिनिधियों को आने की अनुमति दी जाए और इसका सीधा प्रसारण समाचार यानी कि न्यूज़ चैनल्स पर किया जाए। मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा कि सरकार जूनियर डॉक्टर्स की ओर से बातचीत के लिए शर्तें रखने के जवाब से निराश है, जिसकी वजह से खुले दिमाग से बातचीत नहीं हो पाई है। तो देखिए, डॉक्टर्स जिस तरह की शर्तें रख रहे हैं उससे साफ तौर पर ये जाहिर है कि उनके मन में विश्वास अब नहीं रह गया है। देखिए, 36 घंटे कोई डॉक्टर काम करता है और ट्रेनी डॉक्टर काम करता है। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें भी हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी डॉक्टर दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच जब सचिवालय में उनसे बातचीत करने की बात ममता बनर्जी की तरफ से कही गई, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बातचीत तो होगी लेकिन इस तरीके से निष्पक्ष की सवाल ना आप पर उठे ना हम पर उठे, और टेलीकास्ट सीधे न्यूज़ चैनल्स पर होगा। बिल्कुल देखिए, कोलकाता के डॉक्टर जो हैं उन्होंने कई नई कंडीशंस यानी कि कई ऐसी मांगे हैं जो रखी हैं सरकार के सामने, और कहा है कि अगर वो मांगे नहीं मानी गई तो आगे जो ये स्ट्राइक है यानी कि जो प्रदर्शन है ये जारी रहेगा। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की घटना घटी है, उसके बाद डॉक्टर्स काफ़ी परेशान है। कई ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ है, कई ऐसी महिला डॉक्टर्स हैं जो अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। ऐसे में उनकी ओर से सरकार से सिर्फ ये मांग की जा रही है कि उनकी सुरक्षा आखिर सुनिश्चित कैसे होगी, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। अगर सरकार ये आश्वासन देती है, आश्वस्त करती है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है, उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान अस्पताल में रहते हुए बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा, तो ही वो अपने काम पर लौटेंगे, अदरवाइज ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। तो बिल्कुल देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्षेत्र में काम करने में परेशानी नहीं है, काम पर लौटने में परेशानी नहीं है प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को, लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या, सुरक्षा का जिम्मेदार
कौन होगा? अगर राज्य सरकार सबूतों को संरक्षित नहीं रख पा रही है तो हम कैसे मान लें कि हमें सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी? बिल्कुल। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री से जब मीटिंग का जिक्र किया है, मुख्य सचिव कह रहे हैं कि हम मीटिंग तो करना चाहते हैं लेकिन वो लाइव मीटिंग की बात कर रहे हैं, मीटिंग के प्रसारण की बात कर रहे हैं, ये निराशाजनक है, विश्वास ना होना दिखाता है। लेकिन मौजूदा सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर्स इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों सरकार डॉक्टर्स पर या अपने आम नागरिकों पर भरोसा खोती जा रही है। वक्त छोड़ से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री की सभा से पहले दो आतंकी ढेर हुए हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में दो आतंकी मारे गए हैं। बिल्कुल, देखिए सेना ने बताया कि आर्मी के फर्स्ट पैरा के जवानों को बुधवार सुबह उधमपुर के खंडरा टॉप के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। लगभग दोपहर 12:50 पर आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की और करीब 4 घंटे चले एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर में 10 से 11 सितंबर के दरमियान रात लगभग 2:35 पर पाकिस्तानी जवानों ने बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन भी किया था। जवान में बीएसएफ के जवानों ने भी फायरिंग की थी। गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल भी हुआ। तो देखिए आपको खबर दिखा रहे हैं, पीएम मोदी की सभा से पहले उधमपुर में दो आतंकी ढेर, ये हेडलाइन आप पढ़ पाएंगे। एक बार मैं रीड आउट करके आपको ये खबर बता देती हूँ। तीसरे आतंकी को मार गिराने के लिए व्यापक अभियान अभी भी जारी है। आपको पता होगा कि देखिए काफी लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना बीएसएफ के लिए बड़ा सिरदर्द है, प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द है, बहुत चैलेंजिंग है। एक्चुअली ये सिरदर्द मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चैलेंजिंग है और मौजूदा समय में देखिए कल अकारण ही बेवजह सीज फायर शुरू हो गया था, फायरिंग शुरू हो गई थी, गोलीबारी शुरू हो गई थी जिसमें सुरक्षा बलों के एक जवान के घायल होने की खबर भी सामने आई थी, लेकिन दो आतंकी ढेर कर दिए गए। अभी भी एक आतंकी की तलाश की जा रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 सितंबर को डोडा जिले में जनसभा से 2 दिन पहले बुधवार को सेना और सुरक्षा बलों ने उधमपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के तीसरे साथी के लिए जंगल में व्यापक अभियान जारी है। मुठभेड़ उधमपुर कठुआ जिले की सीमा पर बसंतगढ़ में हुआ था। तो मुठभेड़ स्थल से जनसभा स्थल की पहाड़ी रास्ते से दूरी करीबन 65 किलोमीटर बताई जा रही है। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे कठुआ जिले की सीमा उधमपुर और आगे डोडा जिले से लगती है। ये मार्ग घुसपैठ के लिए आतंकियों का पुराना रूट रहा है जिसको एक बार फिर से आतंकी एक्टिवेट करने की कोशिश में थे लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अभी भी तीसरे आतंकी की तलाश जारी है जिसके लिए अभियान या यूं समझिए कि सर्च ऑपरेशन बहुत ही व्यापक मोड से चलाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए और लगातार जिस तरह से आतंकियों का कहर जारी है इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर कॉम्बिंग करके कोशिश की जा रही है कि इन आतंकी घटनाओं पर अंकुश पाया जा सके। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे और हम रुख करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है, राज्य का दर्जा की भी जो बात है जो जिक्र है वो किया गया है। तो इस बीच आपको बता दें कि बुधवार को अनंतनाग में एक चुनावी रैली में जम्मू कश्मीर के लिए 5 गारंटी की घोषणा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और कहा कि पार्टी न केवल जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे के लिए कोशिश करेगी बल्कि द्विसदनीय सदन प्रणाली को भी बहाल करेगी। द्विसदनीय सदन प्रणाली क्या होती है आपको बता देते हैं कि जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही कार्यरत होती हैं। जैसा कि केंद्र द्वारा 2019 में तत्कालीन राज्य के विशेष संवैधानिक दर्जे को समाप्त करने से पहले मौजूद था, कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिले और एक उच्च सदन और एक निचला सदन स्थापित किया जाए। हम ये कैसे करेंगे जब लोग हमारे साथ होंगे तो हम इसे लोगों की ताकत से कर पाएंगे।
श्री खड़गे ने ये भी कहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे। बिल्कुल, देखिए तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ऑफर 5 गारंटी स्टेटहुड, यानी कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है। देखिए साफ तौर पर 5 गारंटी का जिक्र किया गया जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्शन रैली में जो अनंतनाग में बुधवार यानी कि बीते रोज आयोजित की गई थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि विल नॉट ओनली स्ट्राइव फॉर जम्मू कश्मीर स्टेटहुड बट ऑल्सो रिस्टोर द बेस मिरल हाउस सिस्टम, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिल सके इसकी पूरी कोशिश की जाएगी कांग्रेस पार्टी की ओर से और सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी कि केंद्र सरकार से इसकी मांग भी की जाएगी। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर जो है इसे स्टेटहुड का जो अधिकार है वो समय रहते ज़रूर मिलेगा और इसके लिए हमें अगर अपर कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक भी जाना होगा तो भी हम जाएंगे और इसकी मांग हम ज़रूर करेंगे। हाउ विल डू इट, ये भी एक सवाल उन्होंने कहा कि आखिर हम ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हैं, जो बाहर लोग हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल एक ऐसी पार्टी को जिताने के लिए करें जो उनके अधिकार की बात करती है, उनके सरोकार की बात करती है, और वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये साफ तौर पर कहना था। दूसरी बात उन्होंने कही कि जॉब पर पूरा फोकस होगा, हमारा जो युवा है उन युवाओं को जॉब यानी कि नौकरी देना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और 3,000 रुपये जो है मंथ के हिसाब से अगर स्टार्टिंग इंटर्न के तौर पर भी की जाती है तो भी उन्हें दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हम स्कूल की स्थिति यानी कि शिक्षा की स्थिति को और बेहतर करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बीजेपी को मैदान से हटाएं और सिर्फ एक ऐसी सरकार चुने जो आपके लिए काम करना चाहती हो। लेकिन ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे स्टेटहुड की बात ज़रूर कह रहे हैं लेकिन स्टेटहुड एग्जैक्टली कहाँ से कोलैप्स होता है और कहाँ से जो है वापस से रिज्यूम किया जाता है वो भी आप समझ लीजिए केंद्र सरकार की शक्तियाँ हैं ये। और ऐसे में अगर मौजूदा समय में कांग्रेस सरकार को मौका जम्मू कश्मीर के अंदर या यूँ समझिए कि गठबंधन को मौका जम्मू कश्मीर में मिलता है तो भी वो सिर्फ मांग रख सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि स्टेटहुड का जो दर्जा है वो बहाल नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, खबरों में बढ़ेंगे आगे। सुरजेवाला और जेपी के बेटे को टिकट मिला है। इस बीच आपको बता दें कि दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है, चुनाव और राजनीतिक विरासत के लिए नए चेहरों की लॉन्चिंग का उपयुक्त समय माना जाता है। तो देखिए नए चेहरों की लॉन्चिंग का उपयुक्त समय चुनाव माना जाता है ये बात कही गई है। ये एक परीक्षा का दौर तो है लेकिन जल्द ही इस पर काम किया जाएगा। राजनीति विरासत के नए चेहरों की लॉन्चिंग का उपयुक्त समय माना जाता है, ये एक परीक्षा का दौर तो है ही, साथ ही राजनीतिक समझ बूझ और ऊर्जा संग्रहण का मौका भी होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बने माहौल में बुधवार को प्रदेश की राजनीति के दो दिग्गज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला और हिसार के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी ने अपने अपने बेटों की लॉन्चिंग कर दी है। पिछले कई दिनों से कैथल में रणदीप सुरजेवाला की गतिविधि पर सबकी नजर टिकी हुई थी, हालांकि अभी तक पार्टी ने टिकट की घोषणा नहीं की है लेकिन उन्होंने अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला की राजनीतिक लॉन्चिंग कर दी है। सुरजेवाला ने आदित्य को लॉन्च करने के लिए जनसभा तो की लेकिन उनका नामांकन पत्र अभी दाखिल नहीं करवाया गया है। अभी तक ये संशय चला आ रहा था कि कैथल से वो खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर आदित्य चुनाव लड़ेंगे। तो इस बीच ये समझ लीजिए कि नामांकन का अंतिम दिन है आज और ऐसे में आज जो सूची जारी हुई है उन सूचियों के अनुसार आज नामांकन की प्रक्रिया में जेपी और सुरजेवाला दोनों के ही बेटे शामिल होंगे। हालांकि माना यह जा रहा था कि रणदीप सुरजेवाला खुद ग्राउंड पर एक्टिव मोड में नजर आएंगे और वो नामांकन करेंगे पर ऐसा हुआ नहीं, उनके बेटे को लॉन्च किया गया है।
और अब देखना ये होगा कि ये तमाम पार्टियां जो लगातार परिवारवाद के आरोप से पूजा घिरी रहती हैं, उनके बेटों को तो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन बेटों को लॉन्च करने के बाद पार्टीज को कितना ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं बागी परिवारवाद का जो आरोप कांग्रेस पर लगाया जाता रहा है, कांग्रेस उससे डरती नहीं है बल्कि खुद के लिए उसे मोटिवेशन मानकर आगे बढ़ती है। और लगातार इस तरह हम कांग्रेस पार्टी में देख पाते हैं कि परिवारवाद, भाई भतीजावाद बढ़ चढ़ कर बोलता है। बहरहाल हम खबरों में बढ़ेंगे आगे। रील बनाने की सनक में खत्म हो गया परिवार। जी हाँ, दंपत्ति और बेटे की मौत हो गई है और इस खबर को तरजीह अमर उजाला ने दी है। पटरी पर रील बनाने की सनक ने पूरे परिवार की जान ले ली है। लखीमपुर खीरी में रील बनाने की सनक एक पूरे परिवार को ले डूबी। रील बनाने के चक्कर में एक दंपत्ति और उनका बेटा ट्रेन के नीचे आ गए हैं और इंजन में फंसकर 200 मीटर तक घसीटते चले गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। बताइए, आजकल अगर हम पटरी की बात कर ले, रेलवे स्टेशन की बात कर ले, तो इस तरह की कई ऐसी घटनाएं सामने आती है जब इस तरह के कई ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं। रील बनाने के समय लोग ये नहीं सोचते कि आखिर रील बनाने का सही समय और सही जगह क्या होना चाहिए। लोग कहीं भी रील बनाना शुरू कर देते हैं और ये रील बनाना, वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर डालना आपको कितना भारी पड़ सकता है, ये आप इस वीडियो के जरिए और इस खबर के जरिए भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। देखिए, इंजन में फंसकर घिसटने से जान चली गई है और लखीमपुर खीरी की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। रील बनाने की सनक ने जिंदगी ले ली दो लोगों की। यूपी के लखीमपुर खीरी में रील बनाने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आने से दंपत्ति और उनके एक लौते बेटे की जान चली गई। तीनों इंजन के अगले हिस्से में फंसने के बाद 200 मीटर दूर तक घिसटते चले गए। सीतापुर के लहरपुर कस्बे में मोहम्मद अहमद, पत्नी नाजमीन और बेटे अकरम के साथ मंगलवार को हरगांव सीतापुर में पहुंचे थे, जहां पर एक मेले के लिए ये वहां पहुंचे थे, लेकिन अचानक से पटरी पर परिवार जो है वो मिलकर रील बनाने लगा और रील बनाना इतना भारी पड़ा कि 200 मीटर तक ट्रेन घसीटती हुई तीनों को ले गई और जान चली गई। इसीलिए न्यूज इंडिया आपसे अपील कर रहा है कि कम से कम स्थान का ध्यान रखिए, जगह का ध्यान रखिए और जहां पर आप मौजूद हैं उस जगह की भावनाओं का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार उस जगह से जुड़ी कुछ धार्मिक मान्यताएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, लोगों की भावनाएं होती हैं, जिसको अगर आप आहत करते हैं तो भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। रील बनाइए, इंजॉय कीजिए, लेकिन इस दौरान आप किसी दुर्घटना का शिकार ना हो, ये भी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन के इंजीनियर्स का हब बन रहा उत्तर प्रदेश। इकाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने, दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया 2024 पीएम मोदी के विजन के अनुरूप सेमीकंडक्टर के उत्पादन, डिजाइन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश आज देश दुनिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात के रूप में उभरा है। पिछले कुछ सालों में हुए प्रयास का भी परिणाम है कि देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% और मोबाइल इंपोनेंट का 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और सीएम योगी ने कहा कि सैमसंग इंडिया और अपने डिस्प्ले यूनिट के प्लांट की स्थापना उत्तर प्रदेश में कर रहा है। तो देखिए, इस खबर की हेडिंग, हमारा सपना हर डिवाइस में हो, भारत निर्मित चिप, ये प्रधानमंत्री ने बोला है। लेकिन इसी खबर में एक और खबर है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के डेटा को कहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर के तौर पर एक बड़ा हब बनता जा रहा है और हम डिजिटलाइजेशन की तरफ किस तरीके से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसके पीछे जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया है। और उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं की वजह से ही उत्तर प्रदेश आज सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। बिल्कुल, देखिए साथी, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर का बड़ा हब बन चुका है। सेमीकंडक्टर को अनुकूल वातावरण प्रदान कराने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को भी लागू किया गया है। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे।
अब 70 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो सकेगा। पूजा बिल्कुल देखिए, और अब वाकई 70 साल से ज्यादा के अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उन्हें आयुष्मान योजना का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। 70 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को अब 5 लाख तक मुफ्त इलाज मुहैया करा रही है सरकार, और इस खबर को अमर उजाला ने तरजीह दी है। हालांकि ये काफी बड़ी खबर है, इसलिए तमाम अखबारों में भी इसे छापा गया है, जगह दी गई है। केंद्र कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है और अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्ग आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी आपको इसके जरिए मिलेगा। केंद्र कैबिनेट ने इस उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बुधवार को ही बैठक में लिए गए अहम फैसले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत देश में 62,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। तो इससे पहले ये योजना सभी वर्ग के बुजुर्गों को शामिल नहीं करती थी। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, उसका फायदा उठा पाएंगे, और उन्हें भी 5 लाख का बीमा कवर मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए कार्ड का जो निर्माण होगा वो दो तरह के कार्ड होंगे। एक कार्ड जो 70 साल तक के बुजुर्गों को कवर करेगा, और दूसरा कार्ड जो कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को कवर करेगा। क्योंकि देखिए, उम्र के अकॉर्डिंग जो बीमारियों का स्तर होता है, लेवल होता है, वो चेंज हो जाता है और बीमारियों का फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। बिल्कुल, और देखिए, भारत सरकार के इस फैसले की सराहना जितनी की जाए उतना कम है, क्योंकि इस योजना के जरिए, इस स्कीम के जरिए वो बुजुर्ग जिनके पास शायद अपने अंतिम समय में अपने इलाज कराने का पैसा ना हो, परिवार का साथ छूट भी जाए, तो भी सरकार उन्हें मुफ्त में इलाज देगी और वो काफी खुश है इस चीज को लेकर। बिल्कुल, देखिए पूजा आपको इसकी जानकारी दे रही हूँ और मैं आपको न्यूज़पेपर में दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अन्य न्यूज़पेपर्स ने भी इस खबर को तरजीह दी है, दिखाया है, बताया है कि यहाँ पर 70 साल से ज़्यादा उम्र के सभी आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त इलाज मिलने वाला है। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि खबर का फिगर कितना बड़ा है। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इस योजना के तहत 14,335 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर बर्डन आने वाला है, और इसके तहत 5 लाख रुपए का निशुल्क इलाज 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग करवा पाएंगे, और इसमें 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, देखिए आयुष्मान योजना के तहत लगभग 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कैबिनेट में फैसला लिया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में 70,125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 62,500 किलोमीटर सड़कों का जो निर्माण है वो भी किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय फिलहाल जिस तरह से विकास की गति पर भारत बढ़ता नजर आ रहा है, 70 साल के बुजुर्गों के लिए ये बड़ी खबर है, उससे ज़्यादा की जिनकी उम्र है, कि अब आप आयुष्मान योजना के तहत 5 से 6 लाख रुपए का इलाज अपना बिल्कुल मुफ्त करवा पाएंगे। बिल्कुल, खबर में आगे बढ़ते हैं। मतांतरण में मौलाना समेत 12 लोगों को उम्र कैद हुई है, 4 को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। तो देखिए, लखनऊ में अवैध रूप से मतांतरण और विदेशी फंडिंग के मामले में दोषी पाए गए मौलाना कलीम सिद्दकी समेत उनके 12 साथियों को एटीएस एनआईए कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने मौलाना के 4 अन्य साथियों को 10-10 साल की कैद में दंडित करते हुए अर्थदंड भी लगाया है। मौलाना के सबसे करीबी सहयोगी हाफिज इदरीस की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट से रोक लगी है, इसीलिए फिलहाल उसे कोई सजा नहीं सुनाई गई है। सजा सुनाते समय कोर्ट में बड़ी तादाद में अधिवक्ता और मौलाना साथ में उनके साथियों के समर्थक भी मौजूद थे। तो देखिए, एक बार मैं ये खबर आपको बता देती हूँ। अवैध रूप से मतांतरण और विदेशी फंडिंग के मामले में दोषी पाए गए मुजफ्फरनगर के मदरसा जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया के संचालक मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके 11 साथियों को एटीएस एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा तालीम करी है। मौलाना कलीम और उसके साथी सुनियोजित ढंग से लोगों को फंसाते थे।
इनके निशाने पर बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, मूक बधिर लोग रहा करते थे। कोर्ट ने मौलाना के सहयोगी फतेहपुर के श्याम प्रताप सिंह उर्फ मौलाना उमर गौतम को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। श्याम उर्फ उमर की गिरफ्तारी के बाद ही मौलाना का अवैध मतांतरण कराने का संगठित नेटवर्क सामने आया है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे और हम रुक करेंगे अगली खबर का। सीजीआई के अवसर पर पीएम मोदी ने की बप्पा की पूजा, अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा पाठ की है, भक्ति में रंगे। डीवाई चंद्रचूड के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड और उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की आरती करते और पूजा करते नजर आए हैं। मुख्य न्यायाधीश के आवास पर समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने पारंपरिक महाराष्ट्रियन टोपी पहनी हुई थी। इस पूरे कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी गणपति पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी का सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी ने स्वागत किया। बाद में प्रधानमंत्री ने गणपति की आरती की और इस दौरान सीजीआई और उनकी पत्नी कल्पना दास चंद्रचूड़ भी मौजूद रही हैं। और देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी जो हैं बिल्कुल महाराष्ट्रियन वेशभूषा में आपको नजर आ रहे होंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ जो है वो अपने परिवार यानी कि अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं और भगवान गणपति जी की पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो नई दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर बुधवार को गणेश पूजा समारोह में भाग लेने पहुंचे और घर पहुंचने पर सीजीआई और उनकी पत्नी कल्पना दास ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पारंपरिक मराठी वेशभूषा और सफेद टोपी पहने पीएम मोदी नजर आए, भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और इस पूरे कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए पूजा ने भी आपको ये खबर दिखाई थी, अब मैं भी दूसरे न्यूज़पेपर में दिखा रही हूँ, क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ अगर एक फ्रेम में हो और ये खबर लगभग हर न्यूज़पेपर में कवर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखिए राष्ट्रपति माफ कीजिएगा डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, बप्पा की आरती उन्होंने करी, उनकी पत्नी कल्पना दास भी मौजूद थी, ये आप पुजारी को देख पाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम महाराष्ट्रियन अटायर में थे और बहुत ही मराठी परंपरा के अनुसार ही उन्होंने गणपति बप्पा की पूजा अर्चना भी की है। बिल्कुल, तो गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की गई है और अब खबरों में हम बढ़ेंगे आगे। ट्रंप के खिलाफ बड़ी बहस में कमला ने अपनी स्थिति और मजबूत की है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। आपको बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति पद की बहस में जो बाइडेन को निर्णायक रूप से हराने और उन्हें दौड़ से बाहर करने के 2 महीने बाद राष्ट्रपति पद के लिए नई डेमोक्रेटिक का उम्मीदवार कमला हैरिस ने एक बहस में रिपब्लिकन उम्मीदवार पर पलटवार किया, जहां दोनों उम्मीदवारों ने अमेरिका और दुनिया के लिए विपरीत दृष्टिकोण पेश किए और व्यक्तिगत अपना अपना आदान प्रदान किया। तो मंगलवार शाम को युद्ध के मैदान पेंसिल्वेनिया में एबीसी न्यूज की ओर से आयोजित बहस के दौरान जिसे लाखों लोगों ने देखा था, इस दौरान कमला हैरिस के बारे में एक बात और जान लीजिए, भारतीय मूल की महिला हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, उनके जो कार्यकाल को यहां पर कमला हैरिस ने सवाल निशान खड़े किए हैं। कमला हैरिस ने साफ तौर पर बोला कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल था वो बहुत ही निराशावादी था, अर्थव्यवस्था, गर्भपात, ओवर्जन, लोकतंत्र और तमाम चीज़ों को लेकर के बेहतरीन इनका कार्यकाल नहीं था। लेकिन देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि जिस जगह को लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के साथ चलाया जाता है वहाँ पर दो अपोजिट दल के नेता हैं जो कि जिन्होंने बहस करी है, बहस के बाद एक दूसरे पर निशाना भी साधते लाइव डिबेट में नजर आए हैं, लेकिन उसके बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए बहुत ही कुशलता के साथ उन्होंने, ये जानते हैं कि इनका काम था इनको अपना मत जनता के सामने रखना है, लेकिन इसके बाद दोनों हाथ मिलाते हुए भी नजर आए हैं। और इसके अंत तक ऐसा प्रेरित हुआ कि हैरिस ने न केवल
अपनी बात रखी बल्कि ट्रंप को रक्षात्मक स्थिति मिला दिया और इस धारणा की पुष्टि तत्काल मतदाता सर्वेक्षणों, मीडिया टिप्पणियों और दोनों दलों की प्रतिक्रियाओं से हो गई है, जिसमें डेमोक्रेट्स खुश और रिपब्लिकन निराश नजर आ रहे थे और टेलर स्विफ्ट द्वारा हैरिस के लिए आश्चर्यजनक का समर्थन, जो शायद इस समय अमेरिका की सबसे लोकप्रिय सांस्कृतिक आइकन है, उनकी नजर आई। इस दौरान देखिए कमला हैरिस ने क्या बोला है। कमला हैरिस ने ट्रंप के लिए बोला, डिसग्रेस अक्यूज हिम फॉर बीइंग अ लायर एंड ब्रॉट अप हिज क्रिमिनल कन्विक्शन एंड केसेस एंड ट्रंप कॉल्ड हैरिस द वर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री। जब कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि ये बहुत झूठे हैं और इनके क्रिमिनल ऑफेंसेस में ये जो है संलिप्त तो पाए गए हैं, तो इस दौरान ट्रंप ने कहा, वाइस प्रेसिडेंसी पर सवाल उठा दिए कमला हैरिस के, उन्होंने कहा कि इतिहास की वर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस रही हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए सुर्खियां अखबार के इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।